गोप्यस्तमः तपः किमचरन् यदमुष्यरूपम् लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवम् दुरापम् एकान्तधाम यशसः श्रिय ईश्वरस्य। गोपियां वहां पर जो पुरस्त्रियां आपस से बात करने लगी हैं और कह रही हैं गोप्य स्तप की मचन यद अमुष्य रूपम लावण्य सारम असमोर्धम अनन्य विद्धम दृग्भि पिबंती अनुसवम। उन गोपियों ने क्या ऐसा तपस्या का किस जन्म में आचरण किए होंगे जो परमात्मा का ऐसा दिव्य रूप को नित्य निरंतर पान करते थे। किम अचरत यद अमुष्य रूपम, कैसा रूप है? लावण्य सारम, लावण्य का सार है, सौंदर्य का निचोड़ इसके अंदर है। असमोर्धम, ना इसका बराबर कोई है ना उसे बढ़कर कोई है। असमोर्धम अनन्य सिद्धम, लेकिन वह रूप भी अन्य भूत भौतिक सृष्टियों से सिद्ध नहीं है, अनन्य सिद्ध है, ऐसा लावण्य रूप है। अनुसवाभिनवम, हा दिन प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम में भी नवीनता को प्राप्त होते रहता है और भी अधिक से सुंदर होते रहता है, ऐसा रूपम दुरापम अत्यंत कठिन प्राप्त करना उसको एकांत धाम। कैसा परमात्मा? कहते एकांत धाम, कहते एकांत धाम यशस श्रिया ऐश्वर्यस्य च, ऐश्वर्यस्य यशस श्रिया, ऐश्वर्य और यश का खाने शोभा है, ऐसा उस परम रूपम पिबंत्यः दृग्भि पिबन्ति, अपने नयन के द्वारा अंगों के द्वारा निरंतर पान कर रही हैं वे गोपियां। धन्य है उनका जीवन, पता ने कौन से जन्म में क्या तपस्या ने आचरण किया था। इसलिए श्री शब्द का अर्थ ऐश्वर्य नहीं है ना, श्री शब्द शोभा, ऐश्वर्य का खान, ऐश्वर्य का पूर्ण शोभा वहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे पाठांतर अमुष ईश्वरस्य इति, ऐसा भी भेद है, ऐश्वरस्य गभीर ईश्वरस्य पाठ विधि किसने किया है, मूल में दिया टीका में ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य से एकांत धाम अव्यभिचारी स्थान में करते, एकांत धाम का मतलब अव्यभिचार स्थान, यश का अव्यभिचार स्थान, ऐश्वर्य का अव्यभिचार स्थान, सौंदर्य का शोभा का, श्री से शोभा सौंदर्य उसका भी जो अव्यभिचार स्थान होता, ऐसे विलक्षण रूप को उन्हें निरंतर पाते रहे। या दोहने अवहनने मथनो पलेप प्रेंकिंग खनार्भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। या दोहनी अवहननी मथन उपलेप प्रेंखण प्रेंकिंखण अर्भ रुदित क्षण मार्जनादो उक्षण मार्जनादो चा, या गायंती ऐसे जोड़ देना, या गायंती, या दोहनाशी एनं गायंती, जो लोग औरतें क्या है काम करती थी और हमेशा भगवान की लौंग का गायन भी करती थी साथ साथ, इसलिए उस जमाने में सब बुद्धि पवित्र सब पवित्र था। आजकल भी औरतें गाती हैं जब भोजन आदि बनाती हैं, सारा काम कलाप करती हैं, लेकिन सिनेमा के गाने गाती, इसलिए बच्चे भी ऐसे ही सब टुपटांग पैदा होते हैं। हाँ यही तो कह रहे, दूसरों की सब होती है ना, भगवान का गायन कहाँ करते हैं, भगवान का कोई नहीं गाते, दूसरी दूसरी गीतें गाते हैं, लोग गीते गाते हैं कि गाथाओं को गले थे कहीं कुछ है। संस्कार गड़बड़ है, कम मिलते हैं जो भगवान के नाम भगवान का स्तोत्र वगैरह रंटक कंटस्त हो उसको गाते हुए लौंग का अपने अपनी भाषा में गाते हुए काम काज कर रहे हैं, सारा काम सवेरे से उठते हुए गुनगुनाते हुए करने वाले कितनी औरतें, बहुत ही कम, इस संस्कार में से बिगड़े हुए पैदा होते। और अपने यहां तो हमने देखा टेप चला करके काम करने लगी,
जो भाभी आई थी, बड़ा फटकार पड़े, क्या है ये बोलते, तेरे बुद्धि में इतनी भी दम नहीं है, याद भी नहीं कर सकती इन चीजों को, उससे बजाएगी तेरा दिमाग कहीं और रहेगा, सुन थोड़ी रही है, सब बजा के करो, तुम्हारा कान मारेगा क्या, दिमाग मारेगा क्या, बज रहा हो अपने, बज रहा हो हल्ला मच रहा हो, और तू अपने पता नहीं क्या सोचते क्या काम कर रही है, ऐसे तो होता नहीं। इसलिए अपने मन से गाने में एक अलग भाव, सुनते हुए काम करने में एक अलग बात, कि सुनते सुनते मन इधर उधर भाग भी जाएगा, पता नहीं चलता, बहुत डांटते तो ये सब नहीं, अरे सुनना है एकाग्रता पूर्वक बजा करके बैठना पड़ेगा, फिर काम नहीं हो पाएगा, एकाग्रता नहीं बनेगी सुनने में, फिर काम हो दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। आप मन स्वयं गाते हुए करना चाहे तो हो सकता है, मन करना चाह रहा है सुनना नहीं चाह रहा है, तब सुनने की बात साथ में नहीं चलेगा, व्यवहार में देखने को मिलता है। कई बार आप पाठ सुनते सुनते कहीं और क्यों चले जाते हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है, सुनते हुए दूसरा काम ढंग से नहीं होता है तो पक्का है, समाधि में चले जाते हो ना सुनते सुनते ही, कभी कभी, तो इसीलिए जो है ना सुनते हुए काम करो, ये काम तो ठीक है, अपने आप याद करना पड़ेगा, ऐसे गाती हुए कैसे, या गोप्या दोहने अवहनने, दोहन हो गया दूध दोहना, अवहनन हो गया धान की छिलका उतर के जो है चावल निकालना, तंडुल को अलग करना, अवहननम मथनम और दही मंथन करना, उपलेपनम और आंगन में गोबर लेप रही है या जो अपने रसोई में लेप रही है मिट्टी, वैसे चूल्हा को लेपते हैं ना रोज रोज, वो उपलेपनम, प्रेंखणम ईंखणम अर्भरुदित, सब एक एक कर क्रम से लेना है सारी चीजें। सकल क्रियाकलाप के काल में वो गायन करती भी रहती थी, दोहनादिशु उक्षणम मैंने सेचनम, प्रेंकिंकणम का दोलांदोलनम, दोलांदोलनम प्रेंकिंकणम कहते हैं, दोलांदोलनम मैंने बच्चे को जो है झूला में डाल करके आगे पीछे करते हैं ना, झुलाते हैं ताकि नींद आवे वगैरह, उसमें भी भगवान की लौंग गायन करना, प्रेंकिंकणम दोलांदोलनम उक्षणम सेचनम, उक्षण कहते हैं सिंचना, तो पौधे वगैरह को पानी सिंचा जा रहा है या जमीन को धोया जा रहा है, कुछ कर रहे हैं ऐसे सिंचने का कार्य हो। अर्ब रुदित मैंने बच्चा बच्चा रोता है तो उसको शांत करने के लिए भगवान ही लौंग का गायन सुना देते थे, अर्ब रुदित उक्षण मार्जन मैंने सफाई करना, गायनम एनम एव परमात्मा नमेव अनुरक्त ध्य संत अश्रुकंठ संत धन्य व्रजस्त्रिय उर्क्रम चित्तयाना, वह नित्य ही आंखों में आंसू बहाते हुए अनुरक्त बुद्धि वाले होकर के उस परमात्मा के लीलाओं को गायन करते थे, निश्चित रूपेण वे व्रज स्त्रियां धन्य है जिनकी निरंतर उरुक्रम भगवान विष्णु में ही चित्त दौड़ता है जिनका, ऐसे वे गोपियों का जीवन निश्चित रूपेण धन्य है। प्रातर व्रजत व्रजत आविशतश्च सायं गोवे समम कुणयतोस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णम बला पति भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। समम कहते प्रातर व्रजात व्रजत आभिषतश्च सायं, प्रातः काल व्रज से जा रहे जंगल की ओर गौं को लेकर के और सायंकाल वापस व्रज प्रवेश करते हुए, गो भी समम गौं के साथ कोणयतो वेणुम अस्य निशम, उस कृष्ण का इस तरह से वेणु को बजाते हुए गांव व्रज से जाना और गौ के साथ वापस लौटना इत्यादि को देख करके, निर्गम्य तूर्णम बला पति भूरि पुण्या, वो पति निर्गम्य वो अपने अपने काम धंधा जो भी घर में करते होंगे, जैसे बांसुरी की आवाज आती थी सब काम धंधा छोड़ करके भागे भागे सड़क में आती थी, तूर्णम जे देर नहीं जल्दी से जल्दी भागाती थी, अबलाहा पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम, और देखती थी उस भगवान कृष्ण को कि जो मुस्कान से युक्त मुखो चेहरा और दया और प्रेम से युक्त उनकी दृष्टि से युक्त उस भगवान को निरंतर देखती थी। एवं प्रभाषमाणासु
स्त्रीषु योगेश्वरो हरिः शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभः। इस प्रकार भी आपस में स्त्रियां सभा मंडप में विद्यमान स्त्रियां आपस में बोल रही थी, भगवान के कान तक वो बातें पहुंच रही हैं। और जब भगवान समझ रहे हैं कि देखो ये लोग जो है अब लोक में भी निर्णय हो गया, ये जो अमर्यादा पूर्ण युद्ध चल रहा है और ये सब घबराए हुए हैं क्या होगा, अब भगवान निश्चय कर लिया इसलिए समय अब हम इनको मारेंगे। अब तो वो हमको पछाड़ रहे हैं, हम पछाड़ ले रहे हैं जानबूझ करके और जो है हो नहीं दे रहे थे, खेल खेल रहे थे। लेकिन आप निर्णय ले लिया, शत्रु मंतुम मनश्चक्रे भगवान भरतर्षभ। हे भरतर्षभ परीक्षित सुनो, भगवान ने उनको मारने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार से जो स्त्रियों का प्रभाषण चल रहा था वह योगेश्वर हरि भगवान ने निर्णय कर लिया। और दूसरी तरफ ये तो औरतों की बात, माता पिता में क्या हो रहा है, नंद बाबा भी है तो वो लोग क्या सोच रहे हैं। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा पुत्र स्नेह शुचातुरो पितरो अनवतप्येताम पुत्रयो रभुदौ बलम। सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा, स्त्री के वचन को सुनकर के भयभीत हो गए। भय से युक्त जो स्त्रियां थी, सभया स्त्री गिरह श्रुत्वा, भय से युक्त इन स्त्रियों के वचनों को सुनकर के पुत्र स्नेह और पुत्र के स्थिति के कारण से शोक भी, शुचा आतुरो, एक तरह से पुत्र स्नेह भी आ रहा है, दूसरे तरह से उसके बातों के आधार पर के शोक भी हो रहा है, आतुर हो गए हैं। पितरो अनुतप्येताम, वे अनुताप करने लगे, दुख मनाने लगे। क्यों? पुत्री और अबुदो बलम, पुत्र का दोनों के बल उनको अभी अभी विस्मृति हो चुका है। बारंबार इन लोगों को विस्मृति होती रहता है, नंद बाबा को बार बार समझते भी रहते हैं, घर का भी याद करते हैं, कभी घर महर्षि का अरे तो महान है, और कभी तो भूल जाते हैं, और कभी भगवान चांद जी उन्हें माया जाल छोड़ देते हैं। अभी इस युद्ध के बाद वो लोग समझ लेते हैं भगवान है, और माता पिता भूल गए अपने आप को माता पिता, और भगवान है उसको छूने के लिए भी डरते हैं, उसको छूना नहीं चाहिए तो भगवान है, उसको तो पैर छूना चाहिए, हाथ जोड़ के सामने आते पैर छूने के लिए, अब भगवान जी तो गड़बड़ हो गया, सारा व्यवहार खेली खत्म। माता पिता पुत्र का पैर छुए इस तरह से हम सन्यासी तो हुए नहीं। अरे सन्यासी हो जाए तो ठीक है, गृहस्थी माता पिता आवे अपना सन्यासी रूप उस धर्म स्थित जो पुत्र की पूजा करे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण अब सन्यास थोड़े लिए हुए हैं, यहाँ की पूजा करे माता पिता तो तुरंत माया फेंक देते झट से, ये तो सारा काम खराब हो जाएगा, लौकिक जो है धर्मानुष्ठान विरुद्ध हो जाएगा, धर्म भंग होगा, इस तुरंत माया फेंकते हैं, उनके बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, उनके दिमाग में आता है ये तो मेरा पुत्र है, तब आलिंगन करने लगते। भगवान खुद ही ऐसे करते जान करके परिस्थितियों के वशा से, धर्म की स्थापना करने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो विस्मृति और कोई कारण नहीं। इतने बार भगवान साबित कर दिया और खुद ही उन्होंने भी समझाया, सब ग्वाल बाल को भी बताया, खुद नंद बाबा ने बताया था ये तो भगवान है, और फिर यहां कर गए विस्मृत हो गया, भयभीत हो रहा है, परेशान है, हाय हाय करने लगा है, ये क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है मेरे बच्चों के साथ है? अब इससे क्या फर्क पड़ना, उससे इससे क्या संबंध है, मेरा पुत्र विजय पुत्र है। अरे हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं ये कहाँ से आया ये मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये कहाँ आया जबरदस्ती आप कहाँ से जोड़ देते हो, समझ में कथाकारों की खिचड़ी है सब बात तो बातें हैं। हनुमान जी को टपका दिया हाँ ये कहो भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की तो मान भी लिया जाए, वो हनुमान जी को टपका देंगे, अरे उसे क्या मतलब है, तुम्हारे उससे बलवान नंद बाबू को क्या मालूम हनुमान जी का क्या मतलब, कहीं नहीं आया कि राम और हनुमान जी की पूजा होती थी उस जमाने में, कहाँ प्रसंग आया। हाँ दुर्गा जी का है, कात्यायनी पूजा हुआ ये सब आता है, मैंने शंकर की पूजा का बात भी आया है, शंकर का शिव जी की पूजा किया और जो है देवी की पूजा का कथन आता है,
लेकिन विष्णु की अवतार की पूजा दूसरे अवतार काल में होता हुआ ऐसा कहीं नहीं आया। इसलिए ये सब लोग अपना युगांतर है ना, पूर्व युग में हुआ था हनुमान जी, उत्तर युग में हो रहा है तो मान लिया उन लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं, प्रमाण नहीं उसके। सभाया तैस तैर नियुद्ध विधि विविधैर अच्युतेतरो युधाते थान्योन्यम तथैव बलमुष्टिकौ। तै तै नियुद्ध विधि भी, उन दोनों ने वह नियत युद्ध के विधियों के अनुसार विविधैहि अच्युतेतरो अच्युत और बलराम दोनों के दोनों यथा अन्योन्यम युधाते तथैव बलमुष्टिकौ, जिस प्रकार से अच्युत और चाणूर ये दोनों परस्पर युद्ध कर रहे थे उसी प्रकार से बलराम और मुष्टिक भी विधिवत आपस में लड़ रहे थे। भगवत गात्र निष्पात वज्र निष्पेश निष्ठुरई चाणूरो भजमानांगो मुहुर्ग्लानिम वापह। भगवत गात्र निष्पातिर वज्र निष्पेश निष्ठुरई, भगवान के गात्र का निष्पात के द्वारा जो कि कैसा है इस समय, वज्र निष्पेश निष्ठुर, वज्र का सार से बना हुआ अत्यंत निष्ठुर शरीर बना लिया है भगवान ने, ऐसे बना लिया वह एक मुक्का मारे उसकी हड्डियां टूट गई होगी हाथ की स्वयं की चाणूर की। वो मारता था इनको, अब तक तो ये लेते थे और उसको संभाल लेते थे, ऐसे ऐसे चाल चलते रहे, खेल खेलते रहे, कभी उसने पटक भी दिया तो पटक फिर उठ के पी गए, ऐसे चाल चलते थे। लेकिन अब अपना शरीर को वज्र सार बना दिया, ऐसे बना दिया एक मुक्का मार उसकी हड्डी टूट गई, दूसरे तरह से मार दूसरा हो गया, पैर चला तो पैर टूटने लगा, दुर्दशा हो गया चाणूर का। चाणूर भज्य मान अंग, उसका मान भी भंग हो गया अंग भी भंग। भज्जमानांगो मुहुर्ग्लानि मवाप, उस स्थिति को देखते हुए चाणूर को बड़ा ग्लानी होने लगे, क्या हो गया भाई, अभी तक तो बड़ा कोमल था, अबे ऐसा कैसा हो गया, बड़ा माया भी है ये बच्चा तो एकदम बदल गया, बड़ा ग्लानी होने लगा, मेरे दम के सामने ये ऐसा कैसा हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द होने लग गया, ऐसा कैसा बच्चा है ये, ऐसा वो सोच रहा था। सशेन वेग उत्पत्य मुष्टिकृत्य करावभौ भगवंतं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस बाधत। अब बहुत क्रोध में आया, साहब एक हाथ से मारने से काम चलेगा नहीं, दोनों हाथ को लगा ऐसे मुट्ठी बनाई, इतना तेजी से आया भगवान इधर से उधर फिरे नहीं थे, इतने में ही वो पहुंच गया भगवान के पास और धैर्य से वक्षस्थल पर मारा। जो वज्र का हो गया तो वज्र पे चाहे कहीं भी मार डालो, वज्र के आदि में मारो, अंत में मारो, मध्य में मारो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, वज्र तो वज्र है। तो वज्र काय जब हो ही गया है और छाती पर भी मारा तो स्थिति क्या हुई, उपमा से समझा रहे। वो आया तो शेन वेग में, उपमा देखिए, शेन जैसे वेग से आया, बड़ी तेजी से दौड़ा है और जोर से धड़ाम से मारा है भगवंत वास्तव क्रुद्धो वक्षसी अबाद, छाती पर ठोका उसने जोर से, लेकिन नाचल तत्प्रहारेण मालाहत दीप बाहोर निगृह्य चाणूरम बहुशो भ्रामयन हरि। भगवान इस तरह से नजदीक आने को अवसर दिया था केवल उसको, आवे तो सही नजदीक, दूर दूर भाग रहा, दूर दूर से पैंथरा बदल रहा है, वो आने दिया जानबूझकर, मारा तो असर क्या हुआ, नाचलत कंपन भी नहीं हुआ, कंपन भी नहीं हुआ उस प्रहार के द्वारा। उसी प्रकार जो कोई माला से हाथी को पीटे तो माला का से पीटने से क्या असर करेगा हाथी को, तो थोड़ी वो खुचलाता है होगा और क्या, कोई कहते क्या आ गया चमड़े पे, हल्का चमड़े यूं होता है ना बस, उतना ही हुआ होगा और क्या, अर्थात कुछ असर ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसके हाथ जो नजदीक पहुंच गया था ना छाती पर आ गया था, पकड़ लिया उसको दोनों हाथ, बाहों को पकड़ करके घुमाया उसको आकाश में, घुमा के उल्टा हेड से पटक, तब फूट गया खत्म मामला।
मुष्टि कृत्य करो उभौ। मारा तो था लेकिन बाहो निघ्री चाणोरम बहुशो भ्राम यन्नरी। बहुत प्रकार से उसको उल्टा पुल्टा घुमाया, उल्ट पल्ट करके घुमाया, उसको घुमा घुमा करके भूपृष्ठे कोथया मास तर साक्षी न जीवितम विस्तृता कल्प केश इंद्र ध्वज इव आपतत। भूपृष्ठे पोथया मासा, ए धरती के धरातल पर धैर्य से उसको जोर से पटक दिया। ऐसे तरह से इतना जोर से पटका, क्षण पर नहीं हुआ कि उसका जिंदा खत्म हो गया, मर गया। क्षीण जीवितम विस्रस्त, और उसकी क्या हुआ, विस्तृता कल्प केश स्रग। कहते हैं सारा चीज बिखर गया। इंद्र ध्वजो यथा, दृष्टान क्या दे रहे हैं, ये जैसे पहले जमाने में होता था कोई कर्मकांड आदि होता है, कुछ होता है घर में उत्सव उत्सव हुआ तो बहुत बड़ा डंडा उंडा लगा करके ऊपर वो डाल के भेज देते थे पताका को, उसको गिराते थे, जैसे सीधे धड़ाम से गिराते थे। वो जैसे गिरता है इंद्र ध्वज, इंद्रादि देवताओं के लिए भेजा गया जो ध्वज के समान ध्वज, जो इंद्र ध्वज को कहते हैं, वो जैसा गिरात गिरता हो वैसे वो भी जबरदस्त आवाज के साथ धड़ से गिरा। इंद्र ध्वज वापत, तो एक तरफ जैसे भगवान ने इधर किया है ना, गौड़ेश प्रसिद्ध, गौड़ीय देश में प्रसिद्ध है, उड़ीसा बंगाल में यह बात प्रसिद्ध है, गौड़ीय देश को कहते हैं, उड़ीसा और बंगाल वहां प्रसिद्ध है, बता रहे हैं इंद्र ध्वज। आगे व्याख्या भी है, कस्मिंश्चित उत्सवे महान स्तंभ ध्वज पताका तेलंगृध पुरुषाकृति उच्छ्रियते स यथा पतति तद्वत पतत इति भाव। और इधर भगवान कृष्ण ने चारों ओर के जैसे मारा इस तरह से, इधर बलराम भी देख रहे थे, पहले इनको करने दो बाद में हम करते हैं, उन्होंने काम किया। तथैव मुष्टिक पूर्वम स्वमुष्ट्या विहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभ्यहतो भृशम। इसी प्रकार से मुष्टिक पूर्वम स्वमुष्टिना अभिहतेन बलभद्रेण, मुष्टिक के द्वारा अभिहत उस बलभद्र बलराम जी के द्वारा भी, महान बलवान उस बलराम के द्वारा तलेन अभिहतो भृशम, और जबरदस्त रूपेण पहले हस्त तल के द्वारा ही थप्पड़ों से ही मुष्टिक को ठिकाने लगा दिए थे, बस मारना बाकी था, अब उसको भी निपटा दिया। प्रवेपित सर रुधिरम उद्वमन मुखतो वर्दिता व्यसुप पातोर विपत्स्थे वाता हतैवांग्रिप। प्रवेपिता कंप रहा था वो, और मुंह से खून को उल्टी कर रहा है, मुखतो रुधिरम उद्वमन अर्दिता पीड़ित स मुष्टि मुष्टिका व्यसु प्राणों को त्यागते हुए विपत्स्थे पात उल्टे उस रास्ते से जो है भूतल पर धड़ाम से गिर पड़ा। वाताहत इवांग्रिप, इसके लिए दृष्टांत क्या है, तूफान से जैसा पेड़ उलट कर गिर जाता हो वैसे गिर पड़ा है। तथा कूटम अनुप्राप्तम राम प्रहरदांवर अवधित लीलया राजन सावज्ञम वाम मुष्ठिना। अब इसका मौत को देख करके कूट नामक जो था चाणुर मुष्टि कूट शल और एक और क्या नाम था उसका, तोशल, शल तोशल दोनों थे, और शल तोशल बाद में आएंगे, अभी तो कूट सबसे पहले आया बदला लेने के लिए। हमारे दो विशिष्ट मल्लों को इसने मारा है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कूटम मनुप्राप्तम, और कूट नामक जो मल जैसे आया, राम प्रहरदम वरह प्रहण करने में श्रेष्ठ बलराम ने अवधित लीलया राजन हे परीक्षित अनायास ही मार डाला, दायना हाथ उठाना नहीं पड़ा उसको। वाम मुष्ठिना सावज्ञम, अनादरता पूर्वक भाई मुट्ठी के एक मुखा मारा, वो खत्म हो गया, सीधे से बात हो गई, एकदम जा जोर लगाना नहीं पड़ा, कोई लीला नहीं रचा, उसको उठक पटक नहीं हुई, कुछ भी नहीं, वो आया सामने और एक मुट्ठी बाएं हाथ से मारी और खत्म हो गया। तर ये वही शल कृष्ण पदापत शीर्षग विदा विदीर्ण स्तोशल उभावपि निपेततुः।
तो शलक्का करके पाठ है ना, क अधिक है, क को काट देना, अक्षर बढ़ गया है वहां, क नहीं होनी चाहिए, 17 अक्षर हो रहा है। तर ये वही शल, उसी समय ये दोनों फिर पड़ आ गए, शल और तोशल। शल कृष्ण के सम्मुख हो गया और कृष्ण ने केवल पैर उसका एक लात दी, इतने उसका खोपड़ी फूट गया। कृष्ण पदापहत शीर्षक, कृष्ण के चरणों से अपहत शीर्ष आदि है जिसका, ऐसा होकर वो गिरा, द्विधा विदीर्ण, दो टुकड़ों में हो गया। तोशल उभव अपि निपेत तू, यही हाल तोशल का भी हुआ, दोनों के दोनों इस प्रकार से मर गए। चाणूरे मुष्टिके कूटे, शले तोशल के हते, शेषा प्रदुध्रुर्मल्ला, सर्वे प्राण परीपसद। चाणूर मुष्टिक कूट शल तोशल ये प्रमुख पांच थे, ये प्रमुख पांचों जैसा मरे बाकी मल्लों का तो हाल खराब हो गया। देख के शेषा मल्लाह प्रदुध्रुह, सब भागे, अपने प्राण बचा लो भाई, इनसे तो बिड़ना मुश्किल है। सर्वे प्राण परिपसद, क्यों, सभी को अपने प्राण की इच्छा है कि बचाने की इच्छा है, क्या करें, अपने अपने प्राण की रक्षा के चक्कर में इधर उधर भाग गए सारे। हते ये पांचों मर गए, सब सप्तम्य अंत है इनके मरने पर, सब सप्तम्य अंत है, संबोधन थोड़ी है, एकारांत थोड़ी कि संबोधन में एकारांत हो जाएगा। वो अदंत होगा तो हे कौशला हे चाणो रही आएगा, पहले आ चुका है वो, अदंत है सब प्रातिपदिक, समझ में नहीं आता कैसी शंका कर बैठते हो, ढंग से लघु शंका कर आए हो कि नहीं। गोपान वयस्यान आकृष्य तही संसृज्य विजय हृदो वाद्यमायश तूर्येशु वलगंत रुतनु पुरौ। गोपान वयस्यान आकृष्य तहु संसृज्य विजय हृदो, अपने वयस्य वाले गोपों को आकृष्ट करके तई ही संसृज्य उनसे संयुक्त होकर विजरत हुए विहार करने लगे वहां सब रंग भूमि में। वाद्यमानेषु तूर्येषु, बलराम की कृष्ण की महान कर्तव्य को देख करके सारी बाजा बजने लगी, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। रुतनुपुर औरतें नाचने लगी खुशी से, नूपुर बजने लग गए। जना प्रजा ऋषु सर्वे, सारे सवार मंडप में विद्यमान जनता आनंदित होने लगे। कर्मण राम कृष्ण यो, बलराम और कृष्ण कर्म को देखकर बड़ा आनंदित हो रहे हैं। और कंस प्रत्येक कंस विप्रमुख्या साधव साधु साध्विति, एक कंस को छोड़कर बाकी सब कह रहे वाह बहुत बढ़िया हुआ। विप्रमुख्या श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग भी कहने लगे साधु साधु साधु, बहुत का बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ ऐसा। अब गुस्सा आता है कंस को, हल्ला करता है, जैसे कीर्तन कर करते हैं ना, बैठल 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 हट, सारे बाजा गजा बंद, बोलना बंद। देखा है ना, ये लोगों को तो पता है, आपने नहीं देखा होगा, महाराष्ट्र के लोग जब कीर्तन करते हैं, देखा है कभी कीर्तनकार के कीर्तन, हाँ इनके कीर्तनकार के विलक्षण कीर्तन होता है, नींद ना आवे, बीच बीच में बोलते बैठल 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 बैठल, ऐसा करते खूब धूप तेज बजता है, सारे हिल जाए, सबके हार्ट अटैक नहीं हो बस, बजते बजते हाँ कर देते हैं सब, थम बस शांत, फिर कथा वैसे कंस से बोलते हाँ, सब ठंडा हो गया, सारे बाजा गए बुजुर्ग नाच रहा होता सब बंद, ठंडा हो गया। शायद कंस का ही नकल की होंगी कीर्तनकारों कंस महाराज का नकल है रोकने की तरीका। हतेषु मल्लवरेषु धनम हरत गोपाम नंदम बध्नीत दुर्मतिम, हतेषु मल्लवरेषु विद्रुतेषु च भोजरात निवारयत् सतूर्याणि वाक्यञ्चिदम् वाचः। मल्ल श्रेष्ठों के मारे जाने पर और अन्य मल्लों का भाग जाने के बाद वह भोजराज कंस सतूर्याणि निवारयत्, रुक जाओ और बाजा बजा नहीं बजेगा, चुप, तब शांत हो गए। अब इदम वाक्यम वाच, वह इन वचनों को बोला, क्या बोलता है, निस्सारे दुर्वृत्त वसुदेवात्मज पुरात धनम हरद गोपानाम नंदम बदनीत दुर्मतिम,
वसुदेव स्तुतुर्मेधा, सबसे पहले आदेश दिया इन दोनों बालकों को देश से बाहर निष्कासित कर दो। दुर्वृत्त है, गलत काम किया है इन दोनों ने, इसलिए उनको जर शहर से बाहर फेंक दो वसुदेव आत्मज। और इनको ऐसे सांड बनाने वाला ये नंद बाबा सबसे गलत आदमी, क्यों इनको ऐसे पाला? अरे कमजोर कमजोर बना के रखता है, बिना रोटी दिए उसको हम आसानी से मार डालते ना इस समय। इसने बढ़िया पाल दिया उसको, ऐसा मक्खन उक्खन खिला उलो करके जो है बड़ा मुस्टुंडे बना रखा। इसलिए दुष्ट ये नंद बाबा है, इसको तुरंत बांध बोल दिया। दुर्मतिम नंदम बधनी, तो दुर्मति है ये, जान बुझ के सब कर रखा है, इसको बांध दो और इन गोपों के सब धन धन हरण कर दो और सबको नंगा भेज दो शहर से बाहर। और क्या कहता है, ये सब वसुदेव के कारण से हुआ है, पहले उसको मार डालो। वसुदेव स्तुतुर्मेधा हन्यताम आश्वसत्तम उग्रसेन पिता चापी सानुग पर पक्षग। वसुदेव दुर्बुद्धि वाला है, बड़ा चालाकी से मेरे को फंसा फंसा करके ये बच्चे को पैदा कर दिया और उनको गोकुल को ले गया है। दुर्बुद्धि वाला और दुष्ट वसुदेव को तत्काल मार डालो बोल देता। आशु असत्तम पुरुष है, वो असत्तों में महान असत्तम पुरुष वसुदेव है, उसको तत्काल मार डालो। और उग्रसेन जो मेरा पिताजी है ये भी कम दुष्ट नहीं, ये परपक्षी होता है, हमेशा उन लोगों का समर्थन करने वाला है, इसे मेरे पिताजी का भी गर्दन काट दो बोल दिया। और इनके जो भी अनुचर हैं उन सबको भी मार डालो। ऐसा जैसे गुस्सा में हा करके कंस चिल्लाने लगा तो भगवान कृष्ण सुन करके उनसे रहा नहीं गया, अरे ऐसा चिल्ला रहा है, हम लोगों को कहते निकाल दो, बाप को मार डाल दो, मामा को मार डाल दो, सबको मार डालो, क्या है ये, खुद के बाप को मारने को तैयार, बहनई को मारने को ऑर्डर हो रहा है, ये कैसा राज है ये? ये जो अराजकता में आ गया है, अधर्म का अधर्म पूर्वक आदेश दे रहा है, अब राज पद पर रहने लायक नहीं है साबित अपने आप करने। अब यही मौका ढूंढ रहे थे भगवान जो है अधर्म पूर्वक राज करना शुरू करें और हम इसको मार दें। जैसे उसने अधर्म पर आदेश दिया भगवान तुरंत उछलते वहां से। एवं कथमान वही कंसे प्रकुपितो अव्यय लघिम्नोत्पत्य तरसा मंचम उत्तंग मारुहत। ऐसा कथन कर ही रहा है कंस, आदेश बोलते जा रहा है, एक के बाद एक आदेश पारित कर रहा है। इतने में अव्यय प्रकुपित सन, अव्यय परमात्मा कृष्ण के अंदर भी क्रोध आवेश आ गया, अपने शरीर को इतनी हल्का कर दिया, इतना ऊंचा पर बैठा हुआ था तुंग मंच पर, तो ऊंचे मंच पर बैठा हुआ कंस के ऊपर सीधे कूद गए। लघिमना शरीरेण उत्पत्य, उछल कूद करके तरसा बड़ी तेजी से, ऐसा ना हो कहीं भाग जाए अपने मन से उधर इधर खिसक जाए, आदेश दे करके चुपचाप। इसलिए मंच उत्तंगम ऊंचाई में विद्यमान ऊंचे मंच पर बैठा उसके ऊपर आरोह चढ़ गए, बड़ी तेजी से चढ़ गए। तम आविशंदम आलोक्य मृत्युम आत्मन आसनात् मनस्वी साहसोत्थाय जगृहेसु असि चर्मणि। तम आविशंतम आलोक्य, उसको आता हुआ देखकर समझ रहा है, ओहो मेरी मृत्यु मेरे तरफ आ रहा है। आत्मन मृत्युमेव जो है आविशंतम आलोक्य, तुरंत आसनाद उत्थाय आसन से खड़ा हो गया, सिंहासन पर जा बैठा था। मनस्वी दृढ़ मनस वाला है वो, कम नहीं, सहसा झटिति असि चर्मणि सो जगरी है, असि चर्म है कोश जिसका, ऐसे तलवार को खींच दिया कृष्ण को मारने। मनस्वी का मतलब ये नहीं कि वो अच्छे मन वाला, मनस्वी उसको कहते हैं जो दृढ़ मन वाला है, ठोस, भयभीत नहीं होता किसी भी स्थिति में, देख रहे मृत्यु सामने आ रहा, भयभीत नहीं, उसको मनस्वी कहते हैं। लेकिन घबराने और सामने करने से पीछे नहीं हट रहा है ना, इसलिए मनस्वी है। एक अंदर से घबराने अलग चीज है, सामना करने एक अलग चीज है। घबरा करके भागना वो अमनस्विता है, घबरा करके भागा नहीं इसलिए मनस्वी।
और क्या हुआ, तम खट गप्पाणिम विचरन तमाशु शेनम यथा दक्षिण सव्यमं बरे समग्रहित दुर्विशह होग्र तेजसा यथोरगम ताक्ष सुत प्रसह्य। जैसा शाम को ताक्ष गरुड़ भगवान जबरदस्त होकर के वो छिपने की भागने की भी प्रयास करे तो वे भाग नहीं सकता, शाम को फटाक से पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से तलवार उठा करके आ रहा है जो उस खड़ग पानी खड़गे हाथ में जिसका, ऐसे उस कंस को विचरंतम आशु शेन में था दक्षिण सव्यम अंबरे, अंबरे उस आकाश में ही दक्षिण सव्यम दाहिने बाएं तरफ से जैसे शेनम यथा शेन जिस प्रकार से हो उस प्रकार से आंसु शीघ्रता पूर्वक विचरता उसको समग्रहित दुर्विषह उग्र तेजा। भगवान के लिए है सब दुर्विषहोग्र तेजा। कृष्ण तम अग्रहित द्वितीयांश सब उसका विशेषण है, प्रथमा सब कृष्ण का। शेर कहाँ आया यहाँ? हाँ, शेन पक्षी जैसे झपटता उसी प्रकार से वो दिव्य दिव्य समय उसका विशेषण है। विचरंतम दाया बाया घूम रहा है तलवार लेकर के, कभी इधर जाता है उधर जाता है कृष्ण को अटैक करने के लिए। दाहिने बाएं के भाग की ओर घूमने का नाम दक्षिण सव्यम अंबर है, ये कहा। और जैसा यथा शेनम दृष्टांत उतना ही बात खत्म, उसका अंबरे से कोई संबंध नहीं है। वो दृष्टांत को इतने बोलने से काफी है, जैसा शेन पक्षी उड़ के आता है और मछली को पकड़ता है वैसे आ गया, उसको पकड़ लिया कृष्ण ने, आकाश मार्ग से उछल के आया। क्योंकि दाहिना चार बाएं तरफ दोनों तरफ से वो उत्फान करके दौड़ते हुए इसको मारने की प्रयास कर रहा है। ऐसे में क्या कर रहा था, तलवार चला रहा है, सामने से तो आ नहीं सकता तो तलवार लगेगी, इसलिए उछल के सीधा ऊपर से आया आकाश मार्ग से जैसा शेन आता है। और जो दूसरा दृष्टांत क्या, अथवा गरुड़ जैसा आकाश मार्ग से ही आता है, दोनों आकाश मार्ग से आते हैं, आकाश मार्ग से उछलते हुए आना और धरती पर खड़ाओं को पकड़ना, उसी प्रकार कंस के साथ कृष्ण को करना पड़ा। समग्रहित दुर्विशहा उग्र तेजा ऐसा कृष्ण का विषय, यथा उरगम तार्क्ष सुत प्रसह्य अग्रहित के साथ जोड़ दिया, जबरदस्त ढंग से उसको ग्रहण कर लिया। प्रघ्रीय केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्यो परिष्ठा स्वयं अभ्यनाभ पपात विश्वाश्रय आत्तंत्र। और प्रघ्रीय जैसे उसको पकड़ने लगे तो भगवान कृष्ण तो यू घुमा घुमा तो किरीट सबसे पहले नीचे चला आ गया, अब आराजा रह गया और राजभाव में आ गया ना, किरीट चला गया सिंहासन से हट गया पहले खुद ही, फिर अब किरीट भी चला गया, साधारण क्षत्रिय के रूप में स्थित है। जैसे उस पर भगवान ने छलांग मारकर पकड़ा उसको, केशेषु प्रग्रीह केशों से उसको पकड़ लिया, चलत कीटम किरीट तो पहले से उड़ गया, निपात्य रंगो परितुंग मंचात उस तुंग ऊंचा मंच से उसको धेड़ से नीचे फेंक दिए, कहा और रंग मंच जो नीचे बना था मलयुद्ध करने का उस पर फेंक दिया। और उपरिष्ठात तस्य उपरिष्ठात स्वयं अभ्यनाभ पपात, पहले उसको फेंका और उठ के खड़ा नहीं हुआ वहां पर, उससे पहले उसका धैर्य से छाती पर जाके गिर पड़ा। विश्वाश्रय आत्मतंत्र विलक्षणता देखो, लेकिन सारा विश्व का ही आश्रय है जो परमात्मा, अब कंस है आश्रय जिसका, ऐसा हो गया कंस पर गिरे ना, कंस पर जाके गिरे, अब कंस क्या हो गया, उनका आश्रय हो गया, जिसका सारा विश्व ही आश्रय है वह अब कंस आश्रित होकर गिर पड़े। आत्मतंत्र ये क्यों ऐसा की है, वो तो स्वतंत्र है, जैसा भी लीला कर सकते हैं, अपने छाती पर लेके उसको मार दें चाहे उसके छाती पर चढ़ के उसको मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वतंत्र परमात्मा है। बुद्धि पुरस्कार क्या मतलब है, बुद्धि कहाँ से ला रहे हैं, देवकी के बाल पकड़े थे ना वो, अरे उससे से कोई लेन देन नहीं भाई, यहाँ मारने की मलयुद्ध में होता ही है, मलयुद्ध में केश पकड़ने का अधिकार है, युद्ध का नियम पालन दिखा रहे हैं, अनियम पूर्वक कोई काम नहीं किया, उसने तलवार उठाई उसके गलत है,
वो युद्ध नियम से बाहर जा रहा है। मलयुद्ध का रंगमंच हम है, मलयुद्ध का नियम पालन करनी चाहिए। उसके विरुद्ध तलवार उठाया, लेकिन भगवान नियम नहीं विरुद्ध में गए, भगवान कैसे तलवार नहीं लाए। तलवार होना है तो युद्ध भूमि में होता है, यहाँ थोड़ी रंगमंच में। नियम पालन को दिखा रहे हैं मुख्य रूप से, वो लक्ष्य है। तम संपरे तम विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेबं जगदो विपश्यतः हा हेत्य शब्द सुमहस्तदा भूत उदीरित सर्वजनैर नरेन्द्र। हे नरेंद्र, अरे परीक्षित सुनो, तम संपरे तम मर गया, मरा उसको विचकर्ष भूमौ, धरती पर खींच के इधर उधर ले जाकर दुनिया के सामने घुमाने लगे। जगतो विपश्यतः, जगत का देखते हुए इस तरह से करने लगे। हरिर यथा युभम, जैसे सिंह जो है इसे हाथी को मार करके खींचता भी है, उसी प्रकार से यह हरि मने सिंह, यथा इभम मने हाथी। हा हेत शब्द सुमहस्तदा भूत, हाहाकार मच के चारों तरफ, जो कंस के चमचे थे वो हाहाकार मचा दिए। उदीरित सर्वचनी, सारी दुनिया के दरतदा हाहा इति शब्द सुमहान भूत। सनित्य दोद्विग्न धिया तमीश्वरम पिबन वदन वा विचरन स्वपंशसन ददर्श चक्रायुधम अग्रतो यतः तदेव रूपम दुर्वाप माप। इन कंस ने क्या पाया, दुनिया चाहे जो भी हो, कंस ने तो साक्षात भगवान को ही पा लिया। कारण भी बता रहे हैं, सनित्य दा उद्विग्न धिया, भले भले ही वो उद्विग्न बुद्धि से करता रहा भगवान का ध्यान, घबराहट से भगवान का ध्यान करता था, मार रहेगा, मेरा मृत्यु है, मेरे भय के कारण से, बिना भय हो तो न प्रीति, भय पूर्वक प्रेम कर रहा है भगवान का। उद्विग्न धिया तम ईश्वरम नित्य दा, नित्य प्रतिदिन वो क्या करता था, पिबन वदन विचरण स्वपन श्वसन वा, सब प्रकार से सबल क्रिया कर्मों को करते हुए तम चक्रायुधम एव अग्रतो ददर्शा, मृत्यु के पूर्व क्षण तक भी पहले से ही वो हमेशा चतुर भगवान का ही ध्यान करता था। यदा जिसलिए ऐसा था, मरणोत्तर काल में जो यथा माम प्रपद्यता तथा उपजाम्यम, जो जिस रूप का ध्यान किया वही रूप से प्राप्त होना है, इसे तदेव रूपम दुर्वाप, जो आम आदमी को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा जो महान प्राप्य रूप को भी वो आप प्राप्त कर लिया। अब लेकिन क्या करें, कंस के जो बाकी भाई है वो टूट पड़ते बदला लेने, कहते कि भाई हमारे बड़े भैया को मार दिया इन लोगों ने। तस्यानुजा भ्रातरो अष्टौ कंक निग्रोधकादय अभ्यधावन अभिक्रुद्धा भ्रातुर निवेश कारिणः। तस्य अनुजा भ्रातर अष्टौ, उसके छोटे आठ भाई हुए थे, वे आठों के आठों, एक का नाम कंक, दूसरे का नाम निग्रोध इत्यादि था, और नाम लेने लायक भी नहीं, इसलिए स्वयं सुखदेव महाराज दो ही बोल के छोड़ते। कंक, कंक ने किसको कहते, गीत का जाति विशेष होता है, निग्रोध मैंने वटवृक्ष का नाम होता है, ऐसे नामों वाला आदमी जड़ बुद्धि वाले उनका नाम क्या लेना ज्यादा, ऐसे का नाम स्मरण नहीं करनी चाहिए, इस संकेत करके छोड़ दिया। अभ्यधावन अभी क्रुद्धा, ऐसे बड़ा क्रोध के साथ जो इन दोनों की ओर टूट पड़े, क्यों, भ्रातृ निवेशक कारिण, भाई का जो मृत्यु की बदला लेने की इच्छा से आए। तथा तिर भजांस्तांस्तु संयत्तां रोहिणी सुतः अहम परिघम उद्यम पशु निवमृगाधिप। भगवान कृष्ण कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया, बलराम जी ने सारा काम कर दिया, आटों को अकेला ही निपट गए, उनके पास रहता था ना, आप इस्तेमाल कर लिया देखो, अब मलित से कोई मतलब नहीं था ना, ये सब मल तो थे नहीं, जो छोटे भाई मल नहीं थे, आज कोई मतलब है नहीं है, वो भी आयुध के साथ आ रहे हैं, इसे उन्होंने परिघ को उठाया, आओ उसको इस्तेमाल कर, आठों को मार। तथा अतिरभदांतांस्तु अत्यंत वेग से आता उन लोगों को संयत्तान, यदि वे संयत होकर के आ रहे, अनुद्युक्ता संयत्तान उद्युक्ता, शस्त्रों से उद्युक्त होकर के आ रहे, संयत्तान का मतलब क्या, शस्त्रों से सज्जित होकर आ रहे,
इसलिए आप उसको शस्त्र के साथ सज्जित होकर के मारना ठीक समझा। अहम परिघम उद्यम्य, इसलिए परिघ को उठा करके पशुन व मृगादि पर रोहिणी सुतान, रोहिणी सुत बलराम ने अकेला ही जैसे मृगादि सिंह अनेकों पशुओं को अकेला मार डालता है, वैसे आठों को अकेला बलराम जी मार दिए। जब पूरा का पूरा खत्म हो गया ना मामला, अब तो ने दुर्दुंद वयो व्योमनी ब्रह्मेशाद्या विहूदय पुष्प किरंत स्तंभी था शशंसूर नृतु स्त्रिय, दुंद भी आप बजने लगे आकाश में, ब्रह्म ईशादियों विभूतियों ने पुष्पों को बिखेरने लगे उनके ऊपर, प्रीतः प्रसन्न होकर के प्रशंसा करते लगे, स्त्रिया नाचने लगी। तेषां स्त्रियो महाराज सृत मरण दुखिता तत्राभ्युर विनिघ्नन्त्य शीर्षाण्य श्रुविलोचना, तेषां स्त्रिय कंस और उसके आठों भाइयों की जो पत्नियां हैं वे वहां पहुंची उसी समय। जब हाहाकार मच गया, समझ में आई सारा बात, तो बिजली जैसे ऐसे खबर पहुंचती है ना, राजा मर गया, कितने सेकंड लगता है, विश्व भर में खबर फैल जाता है नेपाल का राजा मारा गया था, कितने देर लगा, विश्व भर में खटाखट खबर पहुंच गई। हाँ खबर दबाना चाहो तो बात अलग, इंदिरा गांधी सुबह मरी तो शाम को खबर दिया दुनिया को, कहने के लिए अभी अस्पताल में है, गोली लगी थी ना, छिपाने का अवसर मिल गया इसलिए उनको अभी बचने की संभावना है, संभावना है, संभावना है, जान बुझ करके छुपा रहे। शाम को दंगा ना हो इसलिए, शाम के बाद अंधकार हो जाए, सब अपने घरों में चले जाते हैं, तो उसके बाद घोषणा करने से ठीक रहता है, यह मान करके शाम को 5 बजे घोषणा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कोई अवसर नहीं, हर दुनिया के सामने मरे हैं, खोपड़ियां फट गई, किसी का हाथ टूट गया, कुछ हो गया, मरे सारे दिख रहे हैं, और मुर्दे को लेकर खींच खांच इधर उधर ले भी गया भगवान कृष्ण, तो फिर क्या रह गया, पब्लिकली मर्डर हो चुका है, तो यहां तो छिपाने का अवसर ही नहीं। दुनिया में आग जैसे फैल गई बात, तो सारी आ गई वहां, बड़े रोने लगी, हे महाराजा हे परीक्षित सुनो, हे शास्त्रीय सुहृत मरण दुखिता, अपने सुहृत के मरण से दुखित हुए हैं, तत्र अभियो वहां इकट्ठे होकर आ गए, विनिघ्नन्ते शीर्षाणी अश्रु विलोचना, अपने खोपड़ी पर हाथ पीट रहे, हाय मर गए हमारे पतिदेव मर गए, अश्रु विलोचना आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये सब प्रेम के आंसू नहीं दुख के आंसू। शयानान वीर शय्यायाम पति नालिंग शोचती ही विलेपो सुस्वरम नारियो विसृजन्त्यो मुहुश्चः, बड़ा सुखदेव महाराज बहुत विलक्षण है बोलने में, कत रो कैसे रहे थी वो सुस्वरम रो, मरने के बाद का रोने में भी सुस्वरता है, ये सब नकली रो रहे हैं, जो नकली नहीं नहीं उनकी पत्नियों की दृष्टि में दुष्ट थोड़े, पति को बोलेंगे रहे हो तो महान धर्मी बोलेंगे वे लोग, ऐसा नहीं होता, धर्मात्मा थे, अन्याय पूर्वक मार दिया गया ऐसा कहेंगे वो, पति को कौन कहेगा अधर्मी, चाहे कुछ भी हो जैसा भी हो, कोई भी पत्नी अपने पति को अधर्मी नहीं कहेगा, भले घर में लड़ाई करेंगे पति पिए तुम आप पीते हो ठीक नहीं है बोलेगी वो, दूसरा कह दे तुम्हारा पति पियकड़ है देखो लड़ जाएगी, अरे तुमने कब देखा, तुरंत भिड़ंत हो जाएगा वो, हमारे पति को पियकड़ बोलती है, आपस में औरतें एक दूसरे को कह करके देख ले तो तमाशा, घर में बोले रोज उतम जूता हो उसी कारण से, बाहर नहीं सहन करेंगे अपने पति का अपमान एक शब्द के द्वारा, ये सनातन धर्म की परंपरा है। आजकल बिगड़े हुए हैं जो, वो तो पति को कोर्ट में भी ले जाएंगे, जेल में भी भेज देते हैं, वो भी है मर्डर भी करा देते, वो बात अलग चीज है, समय की बात है, कलयुग का प्रभाव है, एंड आज मानने वाले बहुत इस बात को, विदेशों में भी मानते हैं इस बातों को, ऐसी बात नहीं, पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते, यहां से ज्यादा मैंने देखा विदेश में पतिव्रता का धर्म आज भी किंचित पालन हुआ। हमने देखा एक बार हम एक विदेश में जहां पर योग शिविर कंडक्ट कर रहे थे, शाम को एक जगह अचानक तय हो गया कि प्रवचन वहां होगा हमारा, जो वहां पर थे उन लोगों को जब पता चला कि शाम को वहां होना है इसी शहर में होगा, तो तुरंत हम देख रहे कई औरतें खटाखट फोन पतियों को किया, पतियों से अनुमति लिया कि क्या हम वहां जाना चाहते हैं,
कि इसलिए मैं घर को इतने बजे तक नहीं आ सकती। और जिन जिन के पति ने कहा नहीं ठीक है जाओ कोई बात नहीं, वो लोग आए। उनमें से मैंने एक लड़की थी जिसका पति ने मना किया, कहा कि नहीं आना जरूरी है तुम लोग। वो मेरे पास आके बोली कि स्वामी जी आप किसी तरह से रिकॉर्ड कर लेना, मैं जरूर कल सवेरे ड्यूटी जाते हुए आपके पास आके टेप ले जाऊंगी। और टेप रिकॉर्ड टेप डाल डोल के सब मेरे को दिया। ये देखिए उनकी श्रद्धा। इन्हीं कई पति को अरे क्या हो गया तुम निपटा लो ना काम, मैं जाके आती हूं। ऐसे नहीं, पति ने मना किया तो मना। वहां पतिव्रताज भी, और ये अपने मर्जी के खिलाफ पति कुछ कह दे मान लेंगी। यहां उल्टा बिगड़ गया इस समय, वहां ये लोग सुधर रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को। क्यों इज्जत देनी चाहिए, क्यों मर। वो भी ऐसी स्थितियों को आपस में सम्मान करते हैं, इन्हें की नहीं करते। एक जगह और देखा क्या ना चांगछू एक शहर है, वहां पर पति पत्नी बीच लड़ाई थी। वो हमसे बोली भी बहुत, हमारे ये है वो है क्या करूं अब, लेकिन बोलूं ना बोलूं कि सवेरे हमें हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए कार की जरूरत थी। अब पति से बोलने के लिए डर रही थी, मानेगा नहीं मानेगा क्या बोलेगा पता नहीं, क्यों लड़ाई हो चुकी थी 3 दिन पहले और वो जा चुका था अपने फैक्ट्री में ही रहता था, घर पे आता ही नहीं था, अब क्या करें। तो हमने कहा देखो तुमको ही पता चलेगा इससे तुम्हारे पति के हृदय में क्या है, फोन करो मेरे सामने, मेरे से बात करो। तुम पहले बोलो ये मना करता है तो मेरे से बात करो। तो उसने फोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे जो स्वामी जी आए थे योग शिविर के लिए तो वो जाना है उनको कल सवेरे में, आप यदि आ जाए कार के साथ या ड्राइवर के साथ साथ कार भेज दीजिए। उसने उल्टा डांटा उसको, उसने कहा तुमने ये शब्द साथ में कैसे जोड़ा कि ड्राइवर के साथ कार भेज दो, देखो कितना अंतर। वो दंग रह गई, जो पति पूर्व में इतना बोल गया वो कह रहा है तुमने ये शब्द कैसे प्रयोग कर दिए कि ड्राइवर के साथ गाड़ी भेज देना आप इतनी आना चाहते हो। एक संत की सेवा में मैं जरूर आऊंगा, तुमने विकल्प रखा कैसे। और सवेरे 4 बजे आदमी हाजिर गाड़ी के साथ, रास्ते में उसके पत्र को बताया देखा कमी तेरे अंदर भी है, अपने कमी का अपने अहंकार को छोड़ो कि अपने पति का फैक्ट्री कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है कितना लाभ हो रहा है, इन चीजों को पूछने की भी जरूरत नहीं। तुम ये पूछती हो इसलिए लड़ाई, तुम अपनी कमाई खा रहे हो उसकी कमाई वो खा रहा है, दोनों की कमाईयों से बच्चे पल रहे हैं, क्या जरूरत तुम्हें जानने के लिए कितना डॉलर उसने कहां जमा कर रखा है। जितनी बताने की उसकी इच्छा मर्जी बताने, वो कह रहे आपको कैसे पता चले इसी बात पर हमारी लड़ाई होती है। मैंने कहा और किस बात पे होगा, संसार में तो इसी पर तो होता ही है, हमारे अनुमान से ही है। तब उसने मेरे ही सामने वहां एरोड्रम में उतरने के बाद जो है जाने से पहले पति का पैर छूके प्रणाम करके माफी मांगा और कहा आज से आगे मैं कोई हिसाब किताब आपसे नहीं पूछूंगी और आप चाहे मेरे हिसाब पूछो हिसाब किताब पूछो। दोनों में प्रेम हो गया, खटाई खत्म। तो वो चीज वास्तव में वो लोग इस बात को आपस समझने की कोशिश कहीं नहीं भी है, समझ में आता है तो मान भी लेते। ये नहीं कि हम कोर्ट में जाएंगे तलाक देंगे, वो जमाना वहां खत्म हो गया, तलाक वाला का जमाना खत्म हो गया, अब यहां है तलाक का जमाना भारत में। संसार में चक्र इसको कहते हैं संसार चक्र बोल, सनातन धर्म वहां चालू हो गया है, यहां जो पाश्चात्य धर्म चालू हो गया है।